the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये एक थ्योरम है. हमें इस थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस OQ या OR है. इस सर्कल से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल्स पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, जैसे इसमें की गई है PQ और PR, तो लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स, जैसे इसमें लेंथ है PQ पहले टेंजेंट की, दूसरे टेंजेंट की लेंथ है PR, ये दोनों इक्वल होगी. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR. थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे आप, ये स्टेटमेंट है. फिर गिवन अ सर्कल विद रेडियस R एंड सेंटर O, रेडियस R एंड सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये दिया हुआ है, वेयर टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू द सर्कल. रेडियस हमने स्मॉल r एज्यूम किया है, जो कि है OQ या OR के इक्वल. हमें टू प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे O और Q को, पॉइंट O और पॉइंट R को, फिर पॉइंट O और पॉइंट P को. प्रूफ शुरू करते हैं. इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ पी आर, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए ओ क्यू पी और ओ पी आर में ओ क्यू रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. जब रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करती है तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ये हमें पता है. तो इस तरह से ये एंगल, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हुए. तो हम कह सकते हैं एंगल ओ पी और ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी. रीज़न है 90 डिग्री ईच. और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं रेडियाई टचिंग टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. रेडियाई, जैसे देखिए दो रेडियाई है, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करती है किसी टेंजेंट को तो परपेंडिकुलर्स होगी. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये ओपी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन है. हम फिर ये भी जानते हैं कि ओक्यू इज इक्वल टू ओक्यू, रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, तो ये दोनों ही रेडियाई है सर्कल के. तो इस तरह से हमें इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिला, देखिए एक तो 90 डिग्री राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड, वो हाइपोटेन्यूस होती है. तो ओ पी हाइपोटेन्यूस है पहले ट्रायंगल का भी और ओ पी हाइपोटेन्यूस है दूसरे ट्रायंगल का भी, तो हाइपोटेन्यूस दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया. और OQ इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है, OR भी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल OPR की एक साइड है, तो हम लगा सकते हैं राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड. फिर से बोलता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. मैं लिखता हूँ ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट to triangle ORP. जब ये दोनों congruent हो गए तो आप देखिए इसमें जो QP है last के दो letters, वो जो जिस side को represent करते हैं वो उसी side के equal होंगे उस triangle में जिसको last के दो letters represent करेंगे. जैसे last के दो represent दो triangles वाली side
ये लास्ट के दो लेटर्स वाली साइड, लास्ट के दो लेटर्स वाली साइड हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम कह देंगे कि क्यू पी इज इक्वल टू आर पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी सी डी। इस तरह से देखा हमने, क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, और यही हमें प्रूव करना था।